अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। क्या ये सब मुमकिन है? और कभी भी कुछ भी मुमकिन हो सकता है? कोई ये दावा करता है कि ये सब मुमकिन है, आप रातों रात दौलतमंद बन सकते हैं और ये पैसे जो आप देख रहे हैं और आप पैसों को जिस तरह हम फिल्मों में देखते हैं इस तरह करते हुए यूं किसी बॉक्स में गिरा सकते हैं, और ये डायरेक्शन मेरे डायरेक्टर ने मुझे दी थी, वरना मैं कभी भी ये ना करती। है ना, उसे कहा था कि भले ही आप कर सकती है। सो खैर, मजाक के अलावा, क्या आप दौलतमंद बन सकते हैं? आपकी दौलतमंद बनने की ख्वाहिश है, या फिर आपको हसीन होने की ख्वाहिश है, या फिर आपको शोहरत पाने की ख्वाहिश है, किसी बड़ी गाड़ी की ख्वाहिश है, या फिर कोई ऐसा घर आपने देखा हो, कोई ऐसा मकान आपने देखा हो। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं बहुत सीरियस बात कर रही हूँ। वो लोग जो सोच रहे हैं कि बैंक से लोन ले लें, क्या करें, किसी से उधार ले लें, तो क्या अगर आपने कोई मकान लेना है तो वो आप मकान ले सकते हैं, लेकिन कैसे ले सकते हैं, आज हम आपको अपने शो में बताएंगे। क्या आप भाई, जो कुछ लोगों को शोहरत पाने का बहुत शौक होता है, कुछ लोगों को बाहर के ममालिक में जा के वहाँ पे काम करने का, कारोबार करने का, जॉब्स करने का बहुत शौक होता है, और इम्पॉर्टेंट बात, कई बेटियों की शादी नहीं हो रही और माएँ चाहती हैं कि मेरी जो मेरी बहन का ये वाला बेटा, बड़ी अच्छी नौकरी है इसके पास और अच्छा है, शरीफ है, यहां पर मेरी बेटी की शादी होनी चाहिए, तो वो भी मुमकिन है, वो भी हो सकती है। या फिर आपका बेटा, जिसके लिए आपको अच्छी लड़की नहीं मिल रही, अच्छी लड़की से मुराद जहां पर आप चाह रहे हैं वहां पर शादी नहीं हो रही, तो वहां पर उसकी शादी हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैसा, अगर पैसा हो तो आजकल लगता है कि जी सब कुछ है, इज्जत भी पैसे से ही मिलती है। अगर आप दौलतमंद हैं तो आपको बड़ी बड़ी इज्जत मिलती है, और दौलत है तो ये सारी ख्वाहिशात मुझे लगता है कई हद तक आपकी पूरी हो सकती हैं। तो आप अपने कम से कम इतनी दौलत तो होनी चाहिए कि आपकी मेरे साथ जाएंगे कितनी ख्वाहिश तो बस हम तीन जाएं। हम तीन जल्दी, बहुत बड़ी बात है। और इनका हम तीनों यानी सारे बच्चे, दोनों फैमिली साथ में जाएं, और इन्होंने एक ख्वाहिश का इजहार किया पतले होने का, ठीक है। बहुत सारे लोगों का है कि जी शर्म बलो जैसा, इतना पतला, ठीक है, क्योंकि मैं सामने बहुत पतली हूँ, टीवी पर फिर भी थोड़ी सी मोटी लगती हूँ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पतला हो जाए? इस दुबला होने के लिए उरूज से रब्ता करें। ये बड़ी माहिर है, इसने मेरे साथ एक दफा चैलेंज किया था मेरे साथ, और 43 केजी का था कुछ चैलेंज, कितना था? नहीं, 45 केजी उसने लूज किए थे 3 मंथ्स में। हाँ, और मेरे साथ शर्त लगी थी और उसने माशाल्लाह लूज किए थे, और इसके पास गुड़ भी है, तरीके भी है, सब कुछ है। देखिए, फिजिक्स का लॉ जो है ना, वो ये है कि हर अमल का रद्द अमल है जी, ये कानून है, कुदरत है, अल्लाह ने बनाया है, तो अमल जरूर करना पड़ेगा, फिर रद्द अमल मिलेगा। तो अमल के लिए जो भी करना हो वो आप रापता करें, उरूज कम कर रहे हैं। अभी तो आजकल मैं खुद भी कोशिश कर रही हूँ लगी। लेकिन मुझे सब बताया था गाड़ी में, लेकिन मेरी शर्त ये है, ऐसा पतला नहीं। इसके लिए देखिए, जब आप किसी की तरह बनना चाहते हैं तो उसकी जिंदगी के तमाम औराक को अपनाना होगा अपनी जिंदगी में। नहीं नहीं नहीं, मैं अपीयरेंस कह रही हूं ना। हां बस अपीयरेंस होना, लेकिन फिजिकली मुझे पता है मैं गुड अच्छी हूं। नहीं नहीं, बाहर फिजिकली लेनी, फिजिकली होना, फिजिकली सिर्फ है क्या, इनकी जो लाइफ में स्ट्रेस होगा या हैप्पीनेसेस होंगी, जो भी होगी वो सारा कंट्रीब्यूट करता है आपके मेटाबॉलिज्म रेट पे। okay. कि जो भी आपका स्ट्रेस लेवल है, जो भी आपकी हैप्पीनेस लेवल है, जो भी आपको पेप्ड अप करता है, वो सारी चीज़ें आपके लाइफस्टाइल पे कहीं ना कहीं आपके फिजिकल हेल्थ पे, आपके मेटाबॉलिज्म पे अफेक्ट करती है। सो डेफिनेटली यू कैन बी लाइक समवन इवन फिजिकली, बट यस, दुबला होना है। अब आपकी फिजिक के हिसाब से, आपके मेटाबॉलिक रेट के हिसाब से, जो भी मैक्सिमम होगा, यू कैन डेफिनेटली गो टिल देन, एंड मे बी यू लुक स्लिमर देन हर। देखिए बात ये ज्यादा yes. है ना, बात ये होती है कि आप हमेशा किसी चीज को बच्चे का अलग कुछ नहीं होता करते हैं ना, मोटिवेशन होती है तो आप वेट लूज करते हैं। जैसे आप किसी मूवी प्रोजेक्ट पे जा रहे होते हैं, आपने कहा मुझे 15 किलो कम करना है तो मैं करूं, तो आपको जिंदगी में टारगेट्स बनाने बहुत जरूरी होते हैं। तो जब आप टारगेट बना लेते हैं, लेकिन वेट बढ़ाना मुश्किल है, कम करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें मेरा क्या, बाकी लोगों का भी एक वेट बढ़ता है 20 किलो या 25 किलो ओवर द स्पैन ऑफ 2 years, 3 years, लेकिन आप लग के मेहनत करें और डाइट करें तो आपका वही वेट 3, 4, 6 महीने में कम हो जाता है। द होल आइडिया इज टू मेंटेन इट, इज नॉट टू लूज इट। सो दैट इज द होल आइडिया। सबसे ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश, अभी मूवी की बात की, तो क्या कभी कोई ख्वाहिश हुई कि भाई कोई
ऐसी मूवी मैं कर लूं या बाहर जाके कोई मूवी कर लूं या कोई भी सबसे बड़ी ख्वाहिश आपकी लाइफ में? I believe कि मैं it's been like 8 years now in the industry और ख्वाहिश से ज़्यादा मोहब्बत इज्जत काम मिला और फिल्म भी करी ली एक पाकिस्तान की पहली और आएगी इंशाल्लाह जल्द. हाँ, दिल करता है कि इसके साथ भी काम करूँ, उसके साथ भी काम करूँ, आपके साथ भी ड्रामे में काम करूँ, इनके साथ भी करूँगा. आप लोग को सबको देखा है काम करते हुए तो दिल करता है. ये एक ख्वाहिश होती है. हाँ. लेकिन ये है कि जब आप इसके लिए इन सारी चीज़ों के लिए लगता है कि मैं मेहनत करके हासिल करूँ तो ज़्यादा बेहतर है. ठीक है. ख्वाहिश पर अगर मैं जाऊँ तो मुझे लगता है मैं एक आई एम काइंड ऑफ पर्सन जो आई बिलीव इन स्पेंडिंग अपने ऊपर लोगों के ऊपर, तो मैं जमा नहीं करता. मुझे जमा करने की आदत नहीं है. मैं आता है और मैं निकाल देता हूँ. मैं नहीं करता. मैं इसलिए नहीं करता कि मैं समझता हूँ कि ये है, खरीद लो. 10 कपड़े खरीदते हैं लेकिन पहनना भूल जाते हैं. अब मैं एक बात बताऊं, हम मॉर्निंग शो एंकर्स को एक बहुत बुरी लत लग गई है. एक तो हम लोग जो मुफ्त के कपड़े डेली पहनते हैं हजारों और लाखों के, ठीक है, और क्या होता है कि डेली नए कपड़े पहनते हैं. ठीक है, मेरी बुरी आदत जो मैं आपको बताऊं, और ये बड़ी शर्मिंदगी होती है मुझे, मैं घर में भी फिर कपड़े मेरा दिल जाता है रिपीट ना करूं. हाँ, आदत है. लेकिन कुछ कपड़े मेरे घिसे पिटे सालों के इतने हैं वो मैं बहुत पहनती हूँ. वो मैं इतने पहनते लोग कहेंगे इसके बगैर इसके पास होती है, वो आपकी फेवरेट होती है. हाँ, अच्छा, हम आ जाए, बिल्कुल आ जाए, बॉक्सेस की तरफ आ जाते हैं. डॉक्टर मुईज और रूज, मैं चाहूंगी कि आप आए और मुझे बताइए आप मुझे ये मेरी उर्दू को क्या हो गया कि लोग अपनी ख्वाहिशात किस तरह पूरी कर सकते हैं और कौन कौन सी ख्वाहिशात पूरी हो सकती है. जैसे मैंने आपको कहा कि क्या गुस्से पे कंट्रोल किया जा सकता है, नहीं, तो आपने कहा उस पर तो एक अलग शो होना चाहिए. देखिए, पहले तो एक बेसिक उसूल बता दूं. अल्लाह की इस कायनात में बहुत सारे कवानीन है जिसकी बेसिस पे ये कायनात चलती है. Definitely. अगर ये कवानीन ना हो तो ये कायनात बर्बाद हो जाए एक लम्हे में. जी. हमें जब समझ में आता है कोई कानून, जैसे ग्रेविटी समझ में आई, तो हमने कहा जी हम एक मामूली कागज़ का टुकड़ा हाथ में लेकर छोड़ दो तो वो नीचे गिर जाएगा. तो फिर तहकीक की कि कैसे मुमकिन है कि इंसान हवा के अंदर मौलिक रह सके. तो फिर साइंस ने पता चला जी अगर एक फोर्स आप पैदा करें जो ग्रेविटी की फोर्स से ज़्यादा हो तो कोई चीज़ हवा में मौलिक. तो आज हवाई जहाज उसकी बहुत बड़ी मिसाल है. ये भी एक प्रिंसिपल है अल्लाह का, उस प्रिंसिपल की बेसिस पे काम करता है. इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इस पर काफ़ी काम हुआ और दुनिया में बड़े लोग इसको समझने लगे. तो अगर आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश है, पहली तो चीज़ ये कि इसके अलावा जो अमल है वो करना पड़ेगा आपको. अमल ज़रूरी है, जो जिद्दोजहद, जो कोशिश, जो मेहनत कर रहे हैं वही करते रहे आप. मगर इसका रिजल्ट ये होगा कि आपका जहन खुद ब खुद उस चीज़ को आपकी तरफ खींचेगा, कशिश पैदा होगी जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में. तो चाहे आपका अपना मकान ना हो, चाहे रिश्ता ना हो रहा हो, अच्छी जॉब ना मिल रही हो, घर के अंदर पैसों की कमी हो, प्रॉब्लम हो पैसों की, कारोबार में बरकत ना हो. एक और चीज़ भी बड़ी अमेजिंग हमें पता चली, कई सालों से हम इस पर कर रहे थे काम, और वही थी कि अगर आपकी औलाद ना होती हो, किसी वजह से बंदिश हो, तो वो भी लोगों ने हमें कंफर्म किया कि उनका ये काम अगर हुआ कोई है. मेडिकल रीजन ना हो, मेडिकल रीजन अगर कोई मेडिकल रीजन नहीं है किसी कपल के अंदर और होते नहीं जैसे कहते हैं कि दोनों नॉर्मल है लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे तो ओनली देन. लेकिन अगर कोई मेडिकल रीजन है तो दैट्स अनदर सिचुएशन. ठीक है. अच्छा, मुझे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद आपको अंदाजा हो गया होगा गाड़ी, अगर आप अपनी मर्जी की गाड़ी लेना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपकी फैमिली को गाड़ी में सफर करना चाहिए, बाइक पे बहुत सफर कर लिया या फिर रिक्शा टैक्सी में, तो वो भी हो सकता है. लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम अब आपको बताएंगे कि आप खुद घर बैठे अपना बॉक्स किस तरह तैयार कर सकते हैं. लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जितनी कॉल से आज आ रही है और लोगों की इतनी ख्वाहिशात है कि मेरा अब दम निकल रहा है हर ख्वाहिश पे कि ये ख्वाहिश है वो ख्वाहिश है. हमने एक बंगला देखा था और वो हमें बंगला खरीदना है. मैंने जी वहाँ पे रिश्ते की बात डाली हुई है तो प्लीज़ वहाँ पे हमारा रिश्ते की बात जो है वो पक्की हो जाए, हमारे पास पैसे आ जाए. मैं ये जॉब करना चाह रहा हूँ, मेरे कारोबार में जो है वो कामयाबी नहीं हो रही. तो बहुत सारी कॉल्स हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप पे हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आए. तो आज मैं आपको बता दूँ, जिन्होंने अभी हमारा शो देखा है न्यूज़ सुनने के बाद, चिड़ियाघर की न्यूज़ सुनने के बाद, बड़ा अच्छी न्यूज़ थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी. और वाकई चिड़ियाघर बड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए, जानवरों का भी साफ सुथरे माहौल में रहने का हक है. अच्छा जी, तो आज हम आपकी ख्वाहिशात कैसे पूरी होंगी वो हम आपको बताएंगे. आप खुद घर बैठे बॉक्स बना सकते हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि कमरे में अंधेरा करके बॉक्स बना के बैठ जाओ, देखते रहे कि अब यहाँ से गाड़ी कब निकलेगी. उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी. लेकिन आपकी ख्वाहिश
पूरी होने में आसानी हो जाएगी। ओके जी, मेरी तकरीर खत्म, अब आप करें शुरू। अच्छा, इस कॉइन बॉक्स को स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा साइंस आप ये समझे कि ये कॉइन बॉक्स आपको हेल्प करेगा अपॉर्चुनिटी लाने में, आपकी ज़िंदगी में मौकात लाने में और आपकी आसानियां पैदा करने में। सर, वो खातून कह रही थी जो पहली कॉल आई थी शहनाज की, कि पहले जब मैं अपने घर में थी तो वालदेन के किराए के घर पे थी, जब सेकंड मेरी शादी हो गई उसके बाद जब भी कोशिश करते हैं घर लेने की, हम किसी तरह ले नहीं पाते, वट एवर द राइम और रीज़न, पैसे भी हो सकते हैं, कोई रुकावट इन अ वे के हो सकते हैं किसी प्रॉपर डील पर ना पहुँचे हो, कोई अच्छा घर सस्ता मिल रहा हो उस वक्त लेट हो गए हो। सो ये कॉइन बॉक्स आपको हेल्प करेगा अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने में और आपको आपके पास वो वसाइल पैदा करेगा जिसके थ्रू आप whatever your dream is उसको आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, और एक मैंने अभी सामने मेरे मेकअप आर्टिस्ट हैं एक हमारी, उनकी ख्वाहिश है अपनी वाइफ को डायमंड रिंग देने की और अभी तक पूरी नहीं कर पा रहा। ठीक है, है ना जिब्रान? Overrated तो ये डायमंड रिंग अभी तक इसने नहीं दी थी, वादा किया था कि जब इंशाल्लाह मैं फादर बनूंगा तो मैं डायमंड रिंग दूंगा, लेकिन इसके पैसे बचते नहीं है, तो आज मैं इसकी डायमंड रिंग वाली ख्वाहिश पूरी करवाऊंगी इंशाल्लाह। ओके, तो हम शुरू करें। अच्छा जी, पहली चीज ये कि जो भी आपकी ख्वाहिश हो उसमें औलाद का, शादी का, किसी मुल्क में सफ़र करने का, अमेरिका को अब निकाल दीजिएगा, बाकी सारे सब नहीं, नहीं तो मसाइल होंगे। अच्छा, किसी चीज़ की भी ख्वाहिश हो तो अल्लाह ताला आपकी वो ख्वाहिश पूरी करेगा। इसके प्रोसेस ये है कि जिस मुल्क में आप पैदा हुए हो उस मुल्क की कोई भी करेंसी कॉइन के शक्ल में आप पहले अगर आप सऊदीया में रहते हैं मगर आप पैदा पाकिस्तान हुए तो बड़ा कर्म किसी से कहें कि पाकिस्तान से कुछ कॉइन भेजे आपको। सबसे पहले इस फिश बाउल में, इसको बेसिकली कॉइन बॉक्स भी कहते हैं, मनी बॉक्स भी कहते हैं, कुछ लोग विश बॉक्स भी कहते हैं, ये इतना मशहूर है कि आप अगर यूट्यूब पे हमारे जाएं तो इतनी मेरी वीडियोस हैं जिसको इंतहा नहीं। अच्छा, ये होना जरूरी है। जी हाँ, ये शीशा बड़ा जरूरी है, ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि नजर आए। ठीक है, तो पहले प्लेस ऑफ बर्थ के कॉइन्स होंगे आपका, कितने कॉइन्स होने चाहिए सर? जितने हो सके, जितना बड़ा बोलो हो सके उतने आपने कॉइन्स डाल लें, वो जहाँ पर आप पैदा हुए हो, चाहे वो आप किसी भी मुल्क में पैदा हुए, प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ हुए हो उसकी नोट्स भी डाल, नोट्स भी कॉइन्स भी डाल आप किसी भी दुनिया के हिस्से में रहते हैं लेकिन आप जहाँ के हैं वहाँ की करें, प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पैदा हुए, प्लेस ऑफ बर्थ। अच्छा, मैक्सिमम पैसे डालने या मिनिमम, मतलब जितनी आप डाल सकते हैं, जितने आप अपने औकात के हिसाब से। पहला हिस्सा है ना, ठीक है, तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, तकदीर, मुकद्दर और नसीब, इन तीन को समझना। ये सबसे पहले तकदीर है क्योंकि रब जहां आपको पैदा करता है जिस मुल्क में वहां आपका रिस्क भेजता है आपके साथ, बल्कि आपके आने से पहले भेजता है, तो आपने ये तकदीर का पहला अमल शुरू कर दिया। अब सेकेंड नंबर जो है वो मुकद्दर। अच्छा, मुकद्दर में चीज़ें चेंज हो सकती है, मिसाल के तौर पे अल्लाह आपको लड़का पैदा करता है, लड़की पैदा करता है, एक घर में पैदा करता है, उसकी मादरी जबान जो है वो किसी की पंजाबी है, किसी की सिंधी है, और उस घर के अंदर आप अब पलट से पाकिस्तान में पैदा हुए, इमिग्रेशन लेके आप इंग्लैंड चले गए, आप ब्रिटिश नेशनल हो गए, मगर रहेंगे आप प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान रहेगी आपको, ये मुकद्दर होता है, ये किसी हद तक चेंज हो सकता है। ठीक है, तो अब आप तो कॉइन्स डालना बहुत जरूरी है और नोट मतलब कागज डालना, मतलब कागज भी जरूरी, दोनों चीजें डालना बहुत जरूरी है। इन शॉर्ट ये कि मनी दोनों सूरतों की शक्ल में दोनों। तो अब पहला जो आपका स्टेप होगा वो होगा आपके प्लेस ऑफ बर्थ को लेते हुए, That means coins and notes. अब second जो step आएगा वो आएगा wishes का, कि जो आप करना चाहते हैं ख्वाहिश। ठीक है, अब for example आप immigrate करना चाहते हैं तो जिस country में आप जाना चाहते हैं, immigrate के आपसे travel ही करना चाह रहे हैं, तो जिस country में आप करना चाहते हैं उसके coins कुछ थोड़े से, ये करेंसी एक्सचेंज बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसके कुछ पॉइंट्स और उसके कुछ नोटे ना हो तो वो मिल जाएंगे आपको। अगर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल नहीं है, इन केस नहीं है आपके पास, देन यूज इवन दो अगर है तो भी पिक्चर्स यूज करनी है। अच्छा। लेकिन अगर नहीं है देन जस्ट यूज पिक्चर्स, बट आइडली आपने नोट्स और कॉइन्स उसके भी डालने और उसके साथ जहां पर भी आपको जाना है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू गो टू यूएस, सो उसकी करेंसी की पिक्चर और उसका फ्लैग, अब उसका फ्लैग इसमें है या नहीं है लेकिन आई थिंक उसका फ्लैग कोई लैंडमार्क दे दे, कोई लैंडमार्क लाइक स्टैचू ऑफ लिबर्टी, कोई भी लिबर्टी, ठीक है, तस्वीर या फिर वहां के झंडा जो उस पिक्चर में यूएस का फ्लैग, ये आपने डाल दिया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपको इसके साथ साथ चाहिए कि मैं वहाँ जाऊँ, अच्छा, लिखना शुरू कर दें अपने पास क्या क्या चीजें, क्या आप चाह रहे मेरे पैसे में बरकत हो, ठीक है, तो आपने पैसे की भी एक पिक्चर डाल दी। ठीक है, इसके बाद आप चाह रहे मेरी शादी हो जाए, अब शादी के लिए आइडली आप सेपरेट कॉइन बॉक्स बनाए, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, इस रीजन बींग जैसी आपकी शादी होगी
आपको ये पूरा कॉइन बॉक्स एम्प्टी करना पड़ेगा. सो इफ देयर आर टू मेनी विशेस इन इट यू कांट एम्प्टी इट, यू हैव टू वेट इट. अब उसका एम्प्टी करने का भी एक रीजन है कि आपको एम्प्टी क्यों करना है. अच्छा, उसको खाली क्यों करना है? खाली क्यों करना है? तो राइट नाउ हमने जो कॉइन बॉक्स बनाया ये वाला, इट्स ओनली फॉर मनी एंड इमिग्रेशन और ट्रैवल. For that matter, कहीं पे भी आपको travel करना है, कहीं पे भी जाना है. उसका ये box complete हो गया? नहीं, अभी complete होगा. Second step बताओ. अच्छा जी, अब आपने जैसे immigration करनी है तो उस मुल्क का कोई landmark हो, तस्वीर हो, उस मुल्क का झंडा, उस मुल्क की करेंसी डाल दी. डालने के बाद आप ये करेंगे अब कि आपने एक मैग्नेट लेना है. ये हॉर्स शू मैग्नेट जरूरी है और जितना स्ट्रॉन्ग ताकतवर मैग्नेट होगा इतना बेहतर है. उसके बाद एक कैलकुलेशन होती है, जिस कैलकुलेशन बेस्ड होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, मदर और मदर्स नेम. इसके बाद इस कैलकुलेशन के बाद हम एक कैलकुलेशन करके देते हैं आपको कि जिसके बाद आपको बताते हैं कि ये कॉइन बॉक्स किस दिन आपने रखना है, शुरू करना है, किस वक्त रखना है और इस ये जो मैग्नेट इसके सिम्त क्या होगी. मिसाल के तौर पर किसी का आता है, जैसे आपका आता है मंडे सुबह 9 से 11 बजे तक, दोपहर 2 घंटे में. तो अब संडे को आपने सारी चीज़ें तैयार कर दी, सारा सामान डाल दिया, मंडे हुआ, पीर का दिन हुआ, सुबह 9 बजे तैयारी की. अब आपने सेलेक्ट करना है को ऐसी जगह के जहाँ ये छुपा हुआ ना हो, ढका हुआ ना हो, कॉफ़ी टेबल हो, कबर्ड के ऊपर हो, इसके ऊपर कोई चीज़ डाल नहीं सकते, इसको छुपा नहीं सकते और इसको बंद नहीं कर सकते अलमारी में, जहाँ पे आपकी बेसाख्ता नज़र पड़े. अब आपने मंडे को 9:15 आपने कहा चलो तैयारी होगी, तो अब आपने मिसाल के तौर पर इनका डायरेक्शन मिला था नॉर्थ वेस्ट, तो अब आपने कंपस से देखा नॉर्थ वेस्ट मेरे घर का क्या है. उस नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन अगर यहाँ है तो आपने ये इसको इस तरह रखा कि इसकी दोनों टांगे जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ होगी. ये इसका आज जैसे मिसाल के तौर पे स्टार्ट हो गया. अब इसका जो असल काम है वो ये होता है कि जब आपके पास पैसे, छुट्टे पैसे जिसको कहते हैं, खुले पैसे हो, 10-20 रुपये जेब में हो, कॉइन्स हो, तो आप मैग्नेट के ऊपर रखना शुरू कर दें. जो भी आपका बचा है, जो भी आपका पैसा बचता है. अच्छा, 2-3 दिन के बाद फिर होता है रेजगारी होती है. जैसे मेरी आदत है कि जो भी बचा होता है वो मेरा ड्राइवर को देता हूँ, वो आगे कंसोल में रखता है मेरी गाड़ी की ना, तो रास्ते में कहीं पे आपको देना पड़े देना तो वो काम आता है. आप इसमें जमा करना, जब आपको लगे कि काफ़ी जमा हो गया है तो 1 या 2 मुट्ठी भर कर सदका दे दें या खैरात दे दें और ये कंटिन्यू करें, फिर वापस डालते रहे, फिर निकालते रहे. उम्मीद करते हैं जो हमारे पास न्यूज़ है लोगों की, जो टेस्टिमनीज है लोगों की, 1 साल के अंदर अंदर आपका काम हो जाता है. और जब आपका ये कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह, तो उसके बाद आप ये करेंगे जो भी चीज़ें अंदर है, अब आपने जो भी चीज़ें डाली हैं, तो इसीलिए हम कोई क्वांटिटी नहीं बता सकते कितने पैसे आपको अंदर डालने हैं, बिकॉज अप टू यू. जब ख्वाहिश पूरी हो जाए तो फिर आपको ये पैसे मुझे नहीं देने किसी को, मैंने बहुत ज़्यादा डाल दी है. ठीक है, तो आपने हर चीज चैरिटी करनी जो इस कॉइन बॉक्स के अंदर है. एवरीथिंग विल आपने देनी है. अच्छा, होता क्या कि आप जब किसी को कोई चीज़ दे रहे हो, इट्स बेसिकली a law ke whatever you give comes back to you. Aur wo multiply ho ke aata hai. Aur ye jo kagaz dalne aur tasveerein dalni hai, unke kya karna hai? Ye bas nikal ke usko unko nikal dena, baki jitne paise hai wo dene. Ha, ab is coin box ko rakhne ke 2-3 cheeze hai, wo kehte hai na cautious hai, precautions hai, isko aap lena hai ke isko koi isme se paise ना निकाले, खर्चे के लिए, खर्चे के लिए या किसी को खुले देने ना निकाले, सिर्फ चैरिटी के लिए निकाले. अब देखें, एक अच्छा बीच में कभी निकाल सकते हैं अगर कोई गरीब आ जाए किसी को दे, अगर आपने देने दे दो. और यही हमें बाउल यूज करना है, यही वाला. हाँ, गोल राउंड. क्योंकि देखिए, अगर हमने घर में ऐसी ये रख दिया तो अम्मी तो रोज में से निकाल के सब्जी कभी कहते ऊपर रखें कहीं पे जहाँ हाथ ना जाए. और इसकी डायरेक्शन मूव नहीं होनी चाहिए. अगर डायरेक्शन मूव हो गई आपकी फॉर एनी राइम और रीजन, गिर गया या किसी ने बच्चे ने हिला दिया या वट एवर द रीजन इज एट दैट टाइम, तो इस मैग्नेट से ऊपर जितने भी पैसे होंगे वो सारे निकाल के आपको चैरिटी करने होंगे. एंड देन अगेन द सेम डे जो आपको डे और टाइम मिला है, उसी डे और टाइम पर वापस सेट करना पड़ेगा. अच्छा, ठीक है, आगे निकल गए थोड़ा सा, हम तो प्रोसेस पे चले गए. What is exactly the concept behind? अच्छा, yes. होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल वट एवर, फॉर एग्जाम्पल योर माइंड वर्क्स इन इमेजेस, इट डज नॉट वर्क्स इन वर्ड्स. ठीक है, सो दिस पिक्चर्स वर्क कि वो आपको अनकॉन्शियसली एक एक टारगेट है, आपका एक गोल है जो आपको अनकॉन्शियसली और बार बार इन्वेट की जा रही है, बार बार आपको दिखाई जा रही है. फोकस एंड अनकॉन्शियसली यू आर लुकिंग एट द सेम थिंग, सो यू विल कीप गोइंग टू द सेम डायरेक्शन, यू विल कीप अट्रैक्टिंग द सेम थिंग. एज फार एज मनी इज कंसर्न, जो आप चैरिटी दे रहे हो, जब आप चैरिटी दे रहे हो एक बंदे का काम नहीं आ रही, इट्स गोइंग अ लॉन्ग वे. जब वो लॉन्ग वे जा रही है, 10-15 लोगों के काम आ रही है, इट इज मल्टीप्लाइंग एंड कमिंग बैक टू यू. लेकिन इसके लिए अगर उन्होंने अमेरिका जाना है, ठीक है, उसके लिए उनको फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा, एजेंट से भी बात करनी पड़ेगी, वो सब करना पड़ेगा. होगा क्या, देखें मैं आपको बताती हूँ. मैं आई हैव अप्लाइड फॉर US 3 times, 2 दफा मेरा रिफ्यूज हुआ था.
आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन बट दो दफा रिफ्यूज हुआ. तीसरी दफा मैंने मजाक सीरियसली आई एम टेलिंग यू मुझे नहीं रखना तो कॉइन बॉक्स. इन्होंने कहा चलिए यार एक काम कर तू कॉइन बॉक्स रख. मैंने अपना कॉइन बॉक्स सेट किया. मेरा तो बहुत बड़ा मैंने सेट किया ना, मेरे को इतना बड़ा कॉइन बॉक्स, मैगनेट भी मैंने स्पेशल मंगवाया था, बहुत बड़ा था वो. मैंने सेट किया, अच्छा मैंने यूएस का डाल दिया, आई लव टू ट्रैवल, तो मैंने दुनिया के सारी चीज़ डाल दी अंदर, यहाँ भी जाऊँगी ये भी करूँगी, यू वोंट. और मैंने उसके अंदर एक रिंग डाली एंड आई पुट अ पिक. I wanted to get married that time. Okay. और मैंने एक लड़के की पिक्चर डाली, बट देयर वाज नो फेस, उसने बो टाई पहना हुआ था. वो मैंने कॉइन बॉक्स पे डाली और मैंने अपना कॉइन बॉक्स रख दिया. कुछ भी पैसे बचते थे वो मैं डालती रहती थी, ये मेरे लिए डालते रहते थे. यू वोंट बिलीव आफ्टर अ वाइल, जब मेरी यूएस की वीजा हो गई मैं भूल गई कॉइन बॉक्स के बारे में. वीजा हो गई, मैं घूम के आ गई. इट्स बिन 4 years, मैं एक पूरा महीना पाकिस्तान में नहीं रही हूँ. 4 years मैं एक महीना नहीं रही हूँ. एंड I got married to a guy who loves to travel. Is exactly the same situation जो मेरे दिमाग में थी. उसी तरह हम 2015 में we are there somewhere in New Year's. और हमारी वो picture थी and सर ने वो picture देखी and he's like, is exactly the same picture that you have put inside. Because I didn't put the picture of that guy. एक लड़की और एक लड़का एक bow tie में खड़े हुए हैं. And exactly the same thing happened. And then I have signed my papers, got married, still receptionist. But it all happened. And you won't believe, he even traveled from Pakistan because he's not Pakistani, he came to work here. और वो यहाँ से travel करके Tajikistan चला गया and I am traveling back and forth to Tajikistan. क्या बात है, जबरदस्त. Yeah, so that is one of the things that has happened to me. कि मैं जिस पे अच्छा मैं नहीं रख रही थी, ट्रस्ट मी. मुझे उरुजी आप बहुत देर से ब्रेक का कह रहे हैं लेकिन बड़ी मजे की बात हो रही है, दिल्ली जा रहा काटने का है ना. और अब हम अगर शादी की बात हो रही है तो शादी अगर आप कहीं करना चाह रहे हैं और मकान के लिए शहनाज ने हमें कॉल की, तो शहनाज की डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ हमें पता होना चाहिए. तो हम शहनाज को कॉल मिलाएंगे और शहनाज आप प्लीज हमारी कॉल रिसीव कर लें और ताकि हम आपसे सारी जो है वो डिटेल्स जो है वो ले सकें और हम आपको बता सकें कि आपके लिए हम घर का बॉक्स बनाएंगे इंशाल्लाह. और अब तो आप खुद भी बना सकते हैं, आपको पता चल गया, लेकिन वो तरीका क्या होगा कम से कम हम वो. ओके जी, वेलकम बैक. हम लोग वापस आ चुके हैं और आज हम पूरी कर रहे हैं द मॉर्निंग शो में आपकी ख्वाहिशात, बड़ी से बड़ी ख्वाहिशात. मैंने सोचा अक्सर लोगों की मोबाइल फोन, भाई महंगे वाले मोबाइल फोन लेने की ख्वाहिश होती है, तो वो भी आपकी पूरी हो सकती है और आप अपनी शादी पे डायमंड सेट पहन सकते हैं. बहुत किसके मोबाइल महंगा कौन सा अच्छा अच्छे से अच्छा बेस्ट मोबाइल हो, पूरी करो अच्छी सी नौकरी करो फिर ले लेना. ओके डन, हम वापस आते हैं. और साहब मेरा एक जार बनेगा ना, तीन चार सलोन बने मेरे पास दुनिया में, पूरी दुनिया में. उसमें हम इसमें ईंटें और मट्टी डाल देते हैं. नहीं नहीं, मेरा बनेगा एक लारे को दूंगी, एक फरिया को दूंगी देखने के लिए. और ये कह के आपने अपने कुछ चार एक शो पक्के किए हैं. अच्छा मेरे पास नहीं, एक मिनट सॉरी, एक हमारे चेक का बनेगा, ARY चेक. ये चैनल की तस्वीरें डाल दीजिएगा ना, चैनल के नाम के साथ. आखिर सारे चेक्स जल्दी जल्दी मिल जाए. अच्छा व्हाट्सएप पे हमारे पास बहुत सारी वीडियोस आ रही है, एक वीडियो हम देख लें क्या मैसेजेस लोग भेज रहे हैं, वही मैं बता रही हूँ. इतनी कॉल्स. अच्छा जी व्हाट्सएप वीडियो दिखा दे. सलामुअलैकुम फनम भाजी. मैडम जी मेरा सवाल ये था, मेरे हस्बैंड ना 5 साल से मुल्क से बाहर हैं, तो वो ना मेरे वीजे की कोशिश करते हैं लेकिन जब जब वीजे का वो करते हैं ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, जिसकी वजह से मैं जा नहीं पा रही, तो आप उसके लिए प्लीज कोई हल बताएं. थैंक यू. ओके डन, जबरदस्त. ये आप जो पहले आपने बताया उसी के लिए वही प्रोसेस आप फॉलो करें. छोटी मोटी ख्वाहिश है, मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, आप सब इसमें डाल सकते हो. आपका कोई भी कॉइन बॉक्स बनेगा ना, उसमें आपका पैसा तो अट्रैक्ट, दैट इज द मेन पर्पस, पैसा है ही है. और वीजा चाहिए उसके लिए वो झंडा या अब आपने अगर आपको घर बनाना है अपना मकान के लिए. अब सुन ले शहनाज, आप सुन ले क्योंकि आपकी कॉल नहीं लग रही, तो मकान अगर आप लेना चाह रहे, बहुत सारे लोग यहाँ पे जो मकान लेना चाह रहे. बताइए, एक चीज बता दूं, अगर आपने कोई चीज खुसूसन हासिल करनी है, कैलकुलेशन के बगैर नहीं हो सकता. ठीक है, तो एक तो बता दूं कि कैलकुलेशन नहीं हो सकती, आप हम तक नहीं पहुंच सकते, ज़ाहिर है लाखों आदमी देख रहे हैं. तो एक तरीका जनरल कॉइन बॉक्स का ये है कि तमाम चीज़ें डाल के मैग्नेट को जो है वो किबले के रुख कर दीजिए, जस्ट इन केस मैं बात ना कर सकूँ, प्रोग्राम ख़त्म हो जाए. मगर जो स्पेसिफिक बनता है उसमें 100% रिजल्ट मिलता है. ठीक है, अब आप हम कर रहे हैं घर के लिए, अब घर के लिए भी दौलत चाहिए, ज़ाहिर है पहले पैसे, जहाँ पैदा हुए वहाँ के, वहाँ के पैसे, वहाँ की करेंसी सेम वही जैसे पहले, पहला आपका स्टेप सेम होगा, लेकिन आपकी पिक्चर्स चेंज रहेंगी और घर की पिक्चर्स आ जाएंगी. ठीक है, कलरफुल पिक्चर आएगी, आप डेफिनेटली वुड लाइक अ कार एज वेल, सो गाड़ी की भी डाल दें
और पैसे की पिक्चर डाल रहा है, ठीक है। अब आपको लगता है कि मैं पैदा तो पाकिस्तान में हुआ हूँ लेकिन मैं काम सऊदीया में कर रहा हूँ, तो जहाँ से आपकी सोर्स ऑफ इनकम है उसकी भी डालेंगे आप, जो भी आपकी सोर्स। अगर आप पाकिस्तान से कमा रहे हो तो लेट पाकिस्तानी करेंसी भी दे, लेकिन अगर आप सऊदीया से कमा रहे हैं, अगर आप यूएस से कमा रहे हैं, कहीं से भी कमा रहे हैं, तो वो करेंसी भी अंदर जाएगी। रिश्तेदार वहां से आपको पैसे भेजता है, व्हाटएवर द सोर्स ऑफ इनकम है। और इसको आप अभी जनरल डायरेक्शन अगर हम बता रहे हैं तो इसको आप किबली की तरफ करना, या वरना किसी भी साइड पे, वेस्ट पे आते हैं, साउथ पे आते हैं। अब सबसे बेस्ट यही है, सबसे बेस्ट अगर जर्नल आपको बनाना है तो जर्नल ये कि बस हर किसी की साउथ पे, सॉरी किबली की तरफ डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर आपने स्पेसिफिक बनाना है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड मदर्स नेम के थ्रू ये कैलकुलेट होता है, ठीक है। और ये उसमें गारंटी है कि वो काम करता है एक साल। इन अ मीनवाइल आप ये बना रहे हैं, मुझे एक हर आप बहुत सारी चीजों में अग्री करते हैं, बहुत सारी चीजों में डिसएग्री करते हैं। मैं जैसे चीज देख रहा हूँ, जैसे आपने इसमें बात की थी चैरिटी की, तो चैरिटी तो बेसिकली जो चैरिटी का हमारे इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप अल्लाह से तजारत करें, जैसा भी आपने कोर्ट में हजरत अली का कोर्ट किया, तो यही आपके मसले सबसे पहले तो हल हो गए कि आपने चैरिटी शुरू कर दी, आप नॉर्मल लाइफ में नहीं कर पाते। ये है नवीद के हजरत अली रजी अल्लाह ने फरमाया है कि अगर आपकी दुआ कबूल ना हो तो आप अल्लाह से तिजारत करें, हाँ। यानी सदका और खैरात। तो ये जो आप चैरिटी कह रहे हैं यही रीजन है, हाँ। जो हम किसी के जरिया बन रहे हैं, किसी के काम आ रहे हैं। इंसानी जहन जो है वो एक सोच पर मरकूज नहीं होता, भटकता रहता है, तू नहीं और सही और नहीं और सही, ये चलता रहता है। ये इसका मकसद ये है कि आपका जहन एक नुक्ते पे मरकूज ले, मुझे यही चाहिए, ये वालदा का नाम कह रहे हैं उसको इन बॉक्स में कहां पे करना। हमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, हम तो मैं और डॉक्टर मुइज नहीं बनाते बिकॉज वी डोंट हैव द टाइम, सो देयर इज दिस गर्ल इन लंदन, वो बनाती है जिसको हमने बेसिक भी सिखाया है, बट इसमें होता है डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड मदर्स नेम से आपकी डायरेक्शन निकलती है। जिस तरह क्या पे वेस्ट से साउथ वेस्ट से आप कैसे खुद निकाल सकते हैं, आप नहीं निकाल सकते, तो फिर ये बॉक्स आप खुद नहीं बना सकते, आप साउथ बना सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन उससे क्या फायदा होगा? उससे होगा कि स्पेसिफिक आपकी डायरेक्शन होगी और जल्दी स्पेसिफिक, यानी कि आप जिस वक्त पैदा हुए हो वो डायरेक्शन क्या रखने की पता चल जाएगी, अदरवाइज वरना किबले की तरफ, वरना किबले की तरफ। अगर आपने शादी का बनाना है, आप शादी का ठीक है, सेम एग्जैक्ट इजी, आपने कॉइंस डालने, आपने जहाँ पैदा हुए वहाँ के नोट्स डालने हैं, और फिर आपने एक पिक्चर डालनी है जिसमें एक लड़का और लड़की की शादी हुई, कपल की पिक्चर हो, ठीक है, बट मेक श्योर उसमें कोई फेस ना आ रहा। अगर आप लड़की हैं और आप बना रही हैं तो यहाँ पे आप अपना फेस लगा सकते हो, बट लेट दिस फेस बी ब्लैक, ठीक है, क्योंकि कोई भी लड़का हो। अब ये ना कि आप हुमायूं सईद की तस्वीर डालते हैं और कहें कि हुमायूं सईद बॉक्स से निकलेंगे, सो लेट, अगर आप लड़का है और आप डाल रहे हैं तो मे बी अगर आप चाहें तो अपनी पिक्चर यहाँ चिपका दो, लड़की की पिक्चर हाई ड्रेस थी, दोनों की पिक्चर देखे छुपी, और अगर पता हो कि कौन सी लड़की है तो उस लड़की की लगा सकते हैं, करें, बट आई आइडली से कि नहीं करनी चाहिए, हम लोग आइडली कहते हैं नहीं करनी चाहिए बिकॉज आपको नहीं पता आपके लिए क्या चीज बेहतर है, ओके, ठीक है, सो लेट इट बी लाइक दैट। इसी तरह ये पिक्चर ही डाल दिया, और फिर आप एक कोई गोल्ड ज्वेलरी जो शादी को डिनोट करती हो वो डाल दी, कोई गोल्ड का कपड़ा डाल दिया, कोई गोल्ड की चीज जो आप बाद में चैरिटी कर सको। अब लोग जज्बात में जब शादी करनी होती है, गोल्ड का कपड़ा से मुराद के नहीं, गोल्ड की कोई नाक की चीज डाल दी, कुछ डाल दी। अब लोग जब जज्बात में शुरू में शादी की डेस्परेशन होती है तो बड़ा सा ब्रेसलेट डाल देते हैं, फिर जब चैरिटी की बारी आती है तो फिर आके हमसे पूछते हैं कि हम ब्रेसलेट की जगह थोड़े से पैसे दे दें, दिल इतना होना चाहिए आपका जो वो चीज आप चैरिटी दे दिया। ये चैरिटी भी आप करते हैं ना तो आप अल्लाह की मर्जी से करते हैं, आपकी जेबों में पैसे भरे हुए होते हैं लेकिन आपके अंदर आप वो जेब में हाथ डाल के किसी को पैसा देने के लिए आपके अंदर बड़ा हिम्मत चाहिए होती है। आप इतनी तभी इसलिए कह रहे हो कि छोटी कोई चीज डालना कि देते हुए फिर आपको बुरा ना लगे, वरना करना है तो कुछ भी चैरिटी करो, दिल आपका बेईमान ना हो, बेईमान ना हो, ये कहना चाह रहे। और फिर उसके बाद इस कॉइन को रख, इस मैग्नेट को सेट कर लें, जो भी डायरेक्शन, अगर आप स्पेसिफिक कॉइन बॉक्स लेते हैं निशा वाली से तो वो कर लें, अगर आप सिर्फ साउथ पर रखते हैं तो उसको साउथ डायरेक्शन में रखकर इसके ऊपर कॉइन्स डालना शुरू कर दें, बट मेक श्योर ये आपकी प्रैक्टिस हो, नॉट रेगुलरली बट ट्वाइस थ्राइस अ वीक आप इसमें कॉइन डालते रहें, उसको चैरिटी करते रहें, द मोर यू विल डू इट द फास्टर इट विल वर्क। अच्छा, हमारे साथ मुफ्ती शहरयार दाऊद मौजूद हैं, मैं चाहूँगी हम उनको भी बुलाएं क्योंकि हम कई देर से खैरात और सदके की भी बात कर रहे हैं, सवाल भी यही था कि इस्लाम की कनेक्टिविटीज के साथ क्या है, वो बता दें। मेरा एक जरा सा पूछना है, अच्छा आपका वो सब कॉइन बॉक्स, नहीं मैं पार्लर के लिए क्या मतलब, जैसे ब्रांच क्या चीजें डालें, ओके, मुफ्ती शहरयार दाऊद हमारे साथ हैं।
आपके जब सैलून होंगे तो क्या होगा आपके पास, क्या आएगा? पैसा आएगा ना, जस्ट मेक पैसा। सो जो भी चीज आपके पैसा लाने के लिए जरूरी है वो आपके सैलून, अपने सैलून का नाम डाल दे जो नाम है, ठीक है? उसके साथ आपने ब्रांच जैसे उस मुल्क की पिक्चर डाल दे, ठीक है? मे बी यू ट्रेवल टू देयर, मे बी यू मीट पीपल लाइक देम, मे बी आपके आपके ब्रांच को ही ले ले, आई डोंट नो, एनीथिंग कैन हैपन। जैसे जैसे कि मैं चाहूं कि मेरा रेस्टोरेंट हो और मैं बड़े से कोई अच्छे से लेवल पे शुरू करता हूं, पार्टनरशिप में करता हूं, आप एक काम करें जो मसाला सब लोग खाना खाने जाएंगे, ये ख्याल है मेरा, मैं तो बोलते हैं पार्टनरशिप में करता हूं, एक बड़ी आप एक बड़ी सी देख लें और उसके अंदर ये सारा। अच्छा मैं एक जुमला कह दूं उससे पहले, ये मेरा उरूज का हमारा हमारा ईमान है, हमारा काम है, हमारी सोच है कि अगर आपके पास जॉब नहीं मिलती तो छोटा सा कारोबार करें, 20,000 से भी शुरू हो सकता है, क्योंकि अगर आप छोटा सा कारोबार करते हैं आप किसी को रोजगार देते हैं और ये बहुत बड़ी नेकी है। अच्छा मैं यहाँ पे हाँ ये एक चीज मैं जो आपके व्यूअर्स हैं उनके लिए खास कह रही हूँ, सब समझते हैं कि जी ठीक है डॉक्टर मोइस की बेटी तो ये नहीं करती होगी वो नहीं करती होगी, आप लोगों के बारे में लोगों के दिमाग में परसेप्शन होता है कि हम ट्रबल में, मेरे पास सब कुछ भी है। एक दिन मैंने अपनी इंस्टीट्यूट के बाहर एक चिप्स का वो नहीं होता मशीन आती है वो तो मैंने लगाई, वेरी गुड, और मैंने उसको ट्राई मारा एक हफ्ते तक कि देखिए होता क्या, बिकॉज आई लव कुकिंग। सो मैंने वो शुरू किया, एवरी डे आई वाज अर्निंग 700 रुपीज आउट ऑफ इट, एक स्कूल है सामने सिर्फ नेट एंड नेट 7 आफ्टर टेकिंग आउट एवरी यू नो एक्सपेंस, सब कुछ निकाल के, और उसमें आई वॉज यूजिंग गुड ऑयल, गुड पोटेटो, गुड एवरीथिंग, एंड देयर वॉज जस्ट वन स्कूल देयर। सो अगर आप 700 रुपए भी दिन में कमा रहे हो, आई एम श्योर आप नथिंग लाइक इट, आप भूखे नहीं मरोगे। सो इट्स ऑल अबाउट टेकिंग अ स्टेप फर्दर, बिल्कुल मेहनत कोशिश ही बहुत जरूरी है। अच्छा मैं वो अल्लाह ताला है बस, कि अल्लाह है जो हमारे पीछे है, जिस नियत से हम मांगते वो देता है, अल्लाह ही आपके लिए रीजंस बनाता है। अच्छा यहां पे एक छोटा सा ब्रेक मैं लूंगी और शहरयार भाई से पूछेंगे कि हमारा दीन इस बारे में क्या कहता है, नीयत के बारे में क्या कहता है, कोशिश के बारे में हम बात करेंगे, और आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसके वज़ायफ मैं चाहूँगी कि आप हमें अगर बताएं, जैसे रिश्ते की बात होगी वो, और सदक़े और खैरात पे बात करेंगे, ठीक है? लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद शहरयार भाई से बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। अगर आपका कोई सवाल है या दिल में कोई बात है तो आप कर सकते हैं। जल्दी से मुफ्ती शहरयार दाऊद हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन मुझे जल्दी जल्दी सिर्फ आपने एक एक लफ्ज़ में जवाब देना है, अगर किसी की सेहतियाबी के लिए हो कि कोई बीमार हो और उनकी सेहत के लिए हो तो क्या तस्वीरें डालनी चाहिए? हेल्दी इंसान की तस्वीर डालने इसके अंदर, ठीक है, लेकिन अगर हेल्थ इशू है तो डॉक्टर से भी कंसल्ट करें, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड ट्राई टू डू हीलिंग। ओके, और बच्चे की जैसे ख्वाहिश हो तो बच्चे की पिक्चर डालेंगे आप, और हस्बैंड वाइफ की पिक्चर डालेंगे तो वो खुश है, एक बच्चा हाथ में पकड़ा है। अच्छा ठीक है, तो इस तरह आपने वो सारी पिक्चर्स डालनी है। ओके शहरयार भाई आप, और बहुत अच्छी बात की आज के शो से हमें ये इस बॉक्स से, मनी बॉक्स से ये पता चला कि दें मायूस ना हो, अपने खुदा से मांगते रहें, बेशक वो आपको देगा। और हमारी ख्वातीन मायूस भी बहुत जल्दी हो जाती हैं, ना शुक्री भी है, और क्या है, एक अल्लाह फरमाता है कि बेसब्री है कौन जो मुझे कर्ज दे, अल्लाह को कोई कर्जा दे सकता है? नहीं ना, अल्लाह फरमाता है तुम मुझे कर्ज दोगे तो अल्लाह अपनी शान के मुताबिक तुम्हें रिवार्ड। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपसे इजाजत चाहते हैं, और इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही और खुदा ने चाहा तो कल आपसे जरूर मुलाकात होगी, और शहरयार भाई भी कल हमारे साथ, हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमारे साथ होंगे। हमने निकाह पे बात की थी कुछ दिन पहले, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, हम देखते हैं इद्दत को लेके ख्वातीन बड़ी परेशान होती हैं, तलाक के मामलात को लेकर काफ़ी जो बातें होती हैं उस पर हम कल डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो, आप कोई बात करना चाह रहे हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमें अपने सवालात भेज सकते हैं। इजाज़त दें और खुदा हाफिज़, हमसे कोई गलती हो गई तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मायूस ना हो, यकीन रखें।